दोस्तों आप लोग अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर रील्स अपलोड करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ने बता रखा भाई आपको प्रोफाइल से पैसे नहीं मिलते हैं, पर मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रोफाइल से आप पैसे कमा सकते हो। प्रोफाइल से पैसे कमाने के लिए भाई आपको ये दो चीज जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें अगर दो तीन रील्स आपने अपलोड कर दिया है तो आपका यहाँ पे रील्स मोनेटाइजेशन यहाँ पे इनेबल कर दिया जाएगा और आप रील्स से पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। बट इसके लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि कैसे आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैं यहाँ पे पैसे कमाता हूँ और आप कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फेसबुक पर आ जाना है। फेसबुक पर जैसे कि यहाँ पे मैं अपने फेसबुक पे आ चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा फेसबुक है और मैं क्या कहूँ इसको प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया हूँ। आपको भी अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है, आपको पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप अपना फेसबुक प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको 5000 फॉलोवर चाहिए, 60000 मिनट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ क्राइटेरिया दिया है, आपको कंप्लीट करना पड़ता है। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रील्स वाला, इसमें कोई भी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5000 फॉलोअर्स अगर आपके हो जाते हैं, तो अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हैं, अगर दो तीन वीडियो अपलोड कर दिया है रील्स, तो वहां से आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पैसे कैसे कमाएंगे वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है, जहां से आपका ये दिखेगा कि आपका कितने फॉलोअर्स हैं, कितने यहाँ पे व्यूज है, कितना क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 90-95% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप फॉलोअर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5042 फॉलोअर्स हो चुके हैं। रीच हमारा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11000 भेजा गया है। इंगेजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे कंटेंट पब्लिक देख सकते हैं और यहाँ पे नेट फॉलोअर्स आप इस तरीके से सारा का सारा कुछ देख सकते हैं। पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रील्स आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए एक मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा यहाँ पे गेट स्टार्ट्स ऑन रील्स। अगर आप यहाँ से भी रील्स बना लेते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नीचे मिला है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको। मैं यहाँ पे सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप रील्स से आप कैसे पैसे आप कमा सकते हैं स्टार वाले ऑप्शन से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एड्स ऑन रील्स, जो आप वीडियो का रील्स भेज रहे हैं उसमें जो एड चलाए जाएंगे उससे आप कैसे पैसे कमाओगे ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बोनस से भी पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे इन स्ट्रीम्ड एड्स जो आप लाइव करोगे अगर फेसबुक पर भी, तो यहाँ पे आपको उससे पैसे मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से भी आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐड चलाए जाएंगे, जब जैसे जैसे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता रहेगा आप वैसे वैसे पैसे कमाने लगेंगे। पर इसमें एक खास बात ये है भाई, अगर आपका मान लीजिए फॉलोअर्स कंप्लीट हो गया है तो आपका जो वॉच टाइम है, ठीक है, 60000 मिनट का अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो भी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारे क्राइटेरिया कम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करें, इसको यूज करें और इससे वो भी पैसे कमाए और यहाँ पे जिसका फेसबुक का है, ठीक है, वो भी पैसे कमाए। इसलिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया जा रहा है वो कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब भैया आपको यहाँ पे स्टार वाला जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जो स्टार वाला ऑप्शन दिया है, ये कैसे आपको स्टार करना है ये आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसके लिए भाई आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक लेके बैठ जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सारा चीजें नहीं लिए रहेंगे तो आप कैसे फिलअप करेंगे और आपके अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके बाद पासबुक। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको स्टार वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट अप का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेट अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया हूँ। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम पूछेगा,
जो कि नाम इस तरीके से पूछेगा। मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा था कि मुझे लगा कि नहीं भाई बहुत सारे आइडियल्स हैं जो अपने फेसबुक पर यहाँ पे रील्स अपलोड कर रहे हैं तो वो पैसे नहीं कमा पा रहे, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई इस तरीके से अगर आप काम करोगे भाई तो रील्स डालकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। मुझे पता है कि भाई आप लोग अपने फेसबुक पेज पर कभी ना कभी रील्स अपलोड किए हो, कभी ना कभी फोटो अपलोड किए हो, तो भाई आप भी उस फोटो अपलोड करके भी पैसे आप कमा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑन बिजनेस इन्फो है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नाम पूछेगा, आपको भर लेना है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा लीगल नेम, आपका लीगल नेम क्या है, नेम आपको डालना है। उसके बाद आपको कौन सी कास्ट है, लास्ट नेम आपको डाल देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका रियल है आपको वही डालना है, ठीक है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, आप कौन सी कंट्री से है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप और किसी कंट्री से तो आपको अलग कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ गया। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है तो यहाँ पे गोल गोल नाच रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहे इंटर इन्फो, इंटर बिजनेस इन्फो आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस डाल देना है, और यहाँ पे देखिए जैसे ये बिजनेस है, मैंने नॉट प्रॉफिट डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6-7 फॉर्म है, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा तभी आप पैसे कमा पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको भर के दिखा देता हूँ। अब इसके बाद पूछा है बिजनेस नेम, भाई बिजनेस नेम वही नेम हुआ कि आपका जो नाम हो आपको वो डाल देना है। बिजनेस एड्रेस भाई आपको डाल देना है, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। सुवन सर मैं अपना डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है, एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे सिटी पूछ रहा है तो सिटी मैं अपना डाल देता हूँ, भाई आप जिस सिटी से रहते हैं आपको वही सिटी डालना है। तो मैं प्रतापगढ़ से रहता हूँ तो मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं अपना प्रतापगढ़ यहाँ पे डाल दिया। अब स्टेट पूछ रहा है, भाई आप कौन सी स्टेट से हैं, तो भाई मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो मैं यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप और किसी राज्य से हैं, ठीक है, और किसी स्टेट से हैं तो आपको अपना अलग से डाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जिप पोस्टल कोड पूछ रहा है भाई, अब जिप पोस्टल कोड क्या होता है, भाई आपका वही होता है पिन कोड, ठीक है। जो डाकखाना होता है यहाँ पे पिन कोड लिखा रहता है, आपको वही पोस्टल कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना पोस्टल कोड डाल देता हूँ, यहाँ पे है हमारा 230-306, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल लेना है जो आपका कोड होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा जो आपका अकाउंट चलता हो, ठीक है, आपको वही डालना है। तो मैं अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आपको भी अपना यहाँ पे डाल देना अकाउंट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपको जो VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, ठीक है। अगर आप अकाउंट नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे ये वाला VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगा के आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे लीगल नेम आपका वही है, नितेश मैंने अपना डाला है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइप द लीगल नेम इफ अपेयर्स ऑन द टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे लीगल मीडियम नेम आपको डालना है, तो मैं अपना डाल दिया हूँ। जो आपका पुराना नाम है, मतलब जैसे कि आपका जो नाम है आपको वही डालना है जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में, वही आपको डालना है, ठीक है। सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होगा तभी जाके आप रील्स से पैसे कमा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद होम एड्रेस डालना है, तो भाई मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। तो मेरा एड्रेस जो है सुनसा है, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
आपका जो भी एड्रेस है आप वो भी आप फिल अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दिया। अब आपको यहाँ पे सिटी डालना है, ठीक है, आपको सब यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना पूरा एड्रेस भर चुके हैं। अब आपको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको भरना है। ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे लीगल नेम भरना है, जो आपका नेम हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीगल मीडियम नेम भरना है, जैसे कि आपका जो कास्ट हो, जैसे कि मौर्य है, हम अपने मौर्य हैं, मैं अपने मौर्य डाल दिया हूँ। और लीगल लास्ट नेम आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, स्पॉन्सर डालना है, जो आपका एड्रेस हो। फिर उसके बाद यहाँ पे सिटी डालना है, स्टेट डालना है, उसके बाद जिप पोस्टल कोड डालना है, पिन कोड डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो मैं यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा, और यहाँ पे पूछेगा चूज हाउ यू डिड लाइक टू गेट पेड, आप जो पैसे लेंगे आप कैसे लेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट, आप जो अपना बैंक अकाउंट आप अगर यहाँ पे फिलअप कर देते हैं तो सीधा आपके पैसा जो यहाँ पे लोग ऑडियंस आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो पैसे देंगे सीधा आपके अकाउंट में गिर जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिंक योर पेपल अकाउंट करेंगे तो जो आपके पैसे आपको मिलेंगे सीधा आपके गूगल अकाउंट में चला जाएगा, जो फोन पे या और सारा अदर पे चलाते होंगे उसमें पैसा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाले पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट पे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, आपको क्या करना है इसको भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला पूछा गया है बैंक कंट्री, आपका कौन सा बैंक जो बैंक है कौन सी कंट्री में है, इंडिया में है कि पाकिस्तान में, नेपाल में, कौन सी कंट्री में है। तो हमारे इंडिया में है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे तीर डाउन का निशान मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा कंट्री जो नेम है यहाँ पे आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इंडिया के हो तो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका अकाउंट जो आपने लगाया है वो उसका होल्डर नेम डालना है, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम जैसे नितेश मौर्य है तो मैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है, ठीक है, जो आपका बैंक होगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक हो गया, उसका एक स्विफ्ट कोड होता है, वो तो आप पे वहाँ उस बैंक के मैनेजर से भी पता कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च करना, जैसे कि बैंक बड़ौदा बैंक है तो यहाँ पे सर्च कर लेना बैंक ऑफ बड़ौदा का स्विफ्ट कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, तो मैं यहाँ पर सारा फिलअप कर दिया हूँ। फिलअप करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको लिंक पेपल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया, तो यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पे ऐड योर टैक्स इन्फो, ठीक है। आपको जो टैक्स होता है उससे बचने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ आपका इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका इंटरफेस आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जारी रखे इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है आपके पहले फेसबुक के साथ टैक्स में लॉग इन किया था, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। क्या करना है, आपको क्या करना है, जारी रखना है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा गया है व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है इंडिविजुअल का, एक बिजनेस का। तो अगर आप फॉर्म भरते समय पहले से ही आप इंडिविजुअल डाले हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर, ठीक है, आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस पेमेंट, ठीक है, पेमेंट दिया है, रिसाइडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे नो वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप नो वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे टैक्स से आप बच जाएंगे, जो आपको पैसे मिलेंगे उसमें आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो क्या करना है, आपको नो वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नो वाले पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, एक ऑप्शन और खुल जाएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको नो वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो वाले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नो वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम भरना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंटर नेम एंड टैक्स पेपर आइडेंटिफिकेशन नंबर 10। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि एक फॉर्म आता था, ठीक है, तो आपको भर के उसके बाद फ़ोटो खींच के आपको तब भेजना पड़ता था, बट अब आपको ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल नेम लेना है, जो कि आपके
फेसबुक जो नेम है आपको वहीं से ले लेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अपना इंडिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका जो कंट्री है आपको इस पे तीर वाले पे नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे तीर वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो कंट्री है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे टैक्स पेपर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, आप क्या करना है, आपको यहाँ पे आई हैव ए नॉन यूएस टिन आपको इस पर क्लिक कर देना है ऊपर वाले पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी भरा रहेगा, ठीक है, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटर योर एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया है, सुवंसा है, एड्रेस टू लाइन ऑप्शन दिया है, ठीक है, आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ पहले ही से भरा रहेगा क्योंकि आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो आपने फॉर्म भरा है, सुवंसा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन कोड है आपका इंडिया, इस तरीके से फॉर्म आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपका यहीं से जो आपको पैसे मिलेंगे, आप उस पैसे को टैक्स देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, तो भाई यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, भाई यहाँ पर लोकेशन वेयर सर्विस आर यू विल बी फिजिकल प्रमोड, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है 0% पे, भाई मैं एक भी पैसा टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको टैक्स देना है तो आप 100% भी कर सकते हैं, ठीक है, भाई मुझे टैक्स नहीं देना है तो मैं यहाँ पे 0% कर दिया हूँ। अगर आप ये गलती करते हो भाई तो आप पे जो पैसे कमाओगे उसका 50% फेसबुक रख लेगा, ठीक है, टैक्सेस कट जाएंगे, इसलिए उससे बचने के लिए आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है 0% ऑफ सर्विस यू विल बी फिजिकल परफॉर्मेड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आपको ऊपर वाले पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे वाले पे यहाँ पे देखिए इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगा के आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, आपको यहाँ पे अपना फुल नेम भरना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे फुल नेम आपको भर लेता हूँ, जैसे कि मेरा नाम नितेश मौर्य है तो मैं यहाँ पे नितेश मौर्य अपना डाल देता हूँ, ठीक है, नितेश मौर्य मेरा नाम है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल के आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैच योर नेम है, तो यहाँ पे मेरा जो नाम है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिर से एक बार डाल देता हूँ, नितेश मौर्य, ठीक है। इस तरीके से मैं डाल के इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको फॉर्म भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म मेरा भरा जा चुका है, ठीक है, रिसीव्ड एंड सबमिट, तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्म आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, तो ठीक है, आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पूरा नाम है, जो आपका फुल नाम है, आप अगर वही डालेंगे तभी आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म आ चुका है, ये सब कुछ आपका हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा गया है आपका जो ये स्टार वाला जो आपको पैसे मिलेंगे, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैसे आएंगे, 30 दिन में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 30 डेज इफ एनी सर्टिफिकेशन मेड ऑन दिस फॉर्म बिकम इनकम, ठीक है, आपके 30 दिन के बाद आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जो फॉर्म आया है आपको क्या करना है, सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे टैक्स प्रोफाइल दिख रहा है आपका, जो जो नाम है, देखिए मेरा नाम यही है नितेश मौर्य, इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे है, और उसके बाद मेरा एड्रेस है, और यहाँ पे ये फॉर्म टाइप दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वीवो PDF आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या तो अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा, तो स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे इस पे वाले पे डन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डन वाले पे क्लिक करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो रील्स है ये मोनेटाइज हो चुका है। तो आपका जब मोनेटाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। देखिए यहाँ पे अर्निंग दिखेगा और यहाँ पे आप कितना स्टार पाए हैं, तो यहाँ पे सारा टोटल होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल होकर दिखेगा। ठीक है, आप ये हम यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे मोनेटाइज किए हैं तो अभी मुझे कोई भी स्टार नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी अर्निंग नहीं हुआ है इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी अपना जो रील्स है मोनेटाइजेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से मोनेटाइजेशन करते हैं तो आपका जो रील से कुछ पैसे मिलने वाले थे आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा अच्छे तरीके सही तरीके से आपको अपना रील्स मोनेटाइजेशन करना है और इसी तरीके से आपको जो आपका नेक्स्ट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो एड्स रील्स वाला है आपको इसी तरीके से आपको ये भी मोनेटाइज कर लेना है। ठीक है, तो बस दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अपना रील्स कैसे मोनेटाइज करना है। ठीक है, और आप सही तरीके से अगर आप रील्स मोनेटाइज कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा रील से भी कमा सकते हैं। तो बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी क्वारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।